यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज का हमारा टॉपिक होगा जो हमने जर्नल बुक और कैश बुक में एंट्रीज की थी, उन दोनों बुक्स को हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो उन दोनों बुक में हम बुक की हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए, लेजर बुक। तो हमने लेजर बुक को यहाँ पर ओपन किया, तो आप देखोगे हमने यहाँ पर लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं, लेजर्स को क्रिएट कर लिया। एक बात का ध्यान रखेंगे, एक पेज पर एक ही लेजर बनाएंगे ताकि हमें इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो सभी स्टूडेंट्स एक पेज पर एक ही लेजर बनाएंगे। तो अब लेजर में काम करने के लिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज की एंट्रीज करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जर्नल रजिस्टर ओपन किया, तो हमने यहाँ पर जर्नल रजिस्टर ओपन किया। तो जर्नल रजिस्टर में देखेंगे सबसे पहले कौन सी एंट्री है हमारे पास। तो जर्नल रजिस्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास एंट्री है 8 तारीख की, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग टू मोहन गार्मेंट्स। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग। तो आप यहाँ पे जब एंट्री करोगे तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग और टू मोहन गार्मेंट्स। अब विशाल के अंदर जब हम परचेज के अंदर जब पोस्टिंग करेंगे तो दोनों चीजें ही क्रेडिट हैं, दोनों नाम क्रेडिट हैं, तो सीधा हम दोनों के नाम को भी क्रेडिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लेजर्स ओपन किया, सबसे पहले परचेज की एंट्री है तो हम परचेज के अंदर गए, तो हमने परचेज का लेजर बनाया। हमारे पास ये रहा परचेज का लेजर, तो वहां पर क्या था, टू विशाल और टू मोहन। तो हमने यहाँ पे डेट डाली, 8 तारीख की एंट्री थी हमारी, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, टू विशाल ट्रेडिंग। हमने यहाँ पे टू विशाल ट्रेडिंग डाला, कितने से, 25,000 रुपए से। नरेशन नहीं लिखनी, इसी एंट्री के साथ है टू मोहन, मोहन गार्मेंट्स। तो हमने यहाँ पे मोहन गार्मेंट्स लिखा, कितने से, 16,000 रुपए से। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो परचेज के अंदर था दोनों में टू था, तो हमने दोनों एंट्रीज को कर दिया। पर विशाल ट्रेडिंग में एक ही चीज डेबिट है, तो विशाल ट्रेडिंग हमने यहाँ पे भी देखो जिस नाम के सामने जितनी अमाउंट थी उतनी अमाउंट की लेजर में पोस्ट की है। तो विशाल ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज, कितने से, 25,000 रुपए से, जो विशाल ट्रेडिंग के सामने है, क्योंकि 16,000 की परचेज इसमें से हमने मोहन से भी की है, इसलिए हम वहां पे कितने से एंट्री करेंगे विशाल के अंदर, 25,000 रुपए से। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, विशाल का लेजर देखेंगे, ये रहा विशाल का लेजर। अब विशाल का लेजर के अंदर क्या था, टू विशाल, मतलब कि विशाल क्रेडिट था और परचेज क्या था, डेबिट था, बाय, बाय कौन सी तरफ आता है, क्रेडिट साइड। तो हमने यहाँ पे डेट डाली 8/4 की और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय परचेज अकाउंट, कितने से, जो अमाउंट विशाल के सामने थी 25,000 रुपए से। वही सेम एंट्री हम कहाँ करेंगे, मोहन गार्मेंट्स के अंदर, मोहन के सामने कितने पैसे थे, 8/4 की एंट्री के अंदर ही यहाँ पे थे बाय परचेज अकाउंट, कितने से, 16,000 रुपए से। ठीक है, कितने से, 16,000 रुपए से। अब क्या करेंगे हम, ये एंट्रीज थी हमारी हो गई, उसके बाद क्या करेंगे हम इन एंट्रीज को, के बाद 10 तारीख की एंट्री पे आएंगे। 10 तारीख की एंट्री क्या कह रही है, विशाल ट्रेडिंग, क्या कह रही है, विशाल ट्रेडिंग, तो टू परचेज रिटर्न। तो हमने यहाँ पे क्या किया, विशाल ट्रेडिंग डेबिट है, टू परचेज रिटर्न, कितने से, 5,000 रुपए से। तो अब विशाल ट्रेडिंग के अंदर तो काम होगा टू परचेज रिटर्न के नाम से, तो हम विशाल
ट्रेडिंग के अंदर गए, यहाँ पे परचेज डेबिट थी तो हमने क्या लिखा था, परचेज डेबिट थी तो हमने लिखा था बाय परचेज। अब परचेज रिटर्न है तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 तारीख को टू परचेज रिटर्न, क्योंकि माल वापस आ गया विशाल के पास कितने से, 5,000 से। अब हम कहाँ जाएंगे परचेज रिटर्न के अंदर, आई थिंक ऊपर है इसका लेजर तो ऊपर देखते हैं, ये रहा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के अंदर क्या आ जाएगा, 10 तारीख की एंट्री थी, यहाँ पे लिख देंगे बाय विशाल, कितने से, 5,000 रुपए से। नेक्स्ट एंट्री है हमें लेजर के अंदर, हम नरेशन नहीं लिखते इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। फिर आते हैं हमारी 18 तारीख को एंट्री, हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल, तो हीरो लिमिटेड के अंदर क्या लिखेंगे, जो नाम लेजर का होता है उस नाम को लेजर में नहीं लिखते, तो हीरो लिमिटेड में हीरो लिमिटेड नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, टू सेल। तो टू सेल, तो हमने हीरो लिमिटेड के अंदर गए कितने से, 27,000 रुपए से 18 तारीख की एंट्री। तो हम कहाँ पे गए, हीरो लिमिटेड के अंदर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कौन सी डेट की एंट्री थी, 18 तारीख की, यहाँ पे आ जाएगा टू से, कितने से, 27,000 रुपए से। अब क्या करेंगे, सेल के अंदर जाएंगे, क्या लिखेंगे सेल के अंदर, 18 तारीख डालेंगे सबसे पहले और क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय हीरो लिमिटेड। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, रजिस्टर स्टार्ट करेंगे, तब हम आपको जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो का यूज करना भी सिखाएंगे। तो देखो मैं आपको यूज करना सिखाती हूँ, हम देखेंगे कि जर्नल का ये फर्स्ट पेज है, यहाँ से जो स्टार्ट था, ठीक है, उसके बाद जब ये खत्म होता है तो यहाँ से ये सेकेंड पेज स्टार्ट होता है, तो इस पेज का नंबर क्या है, 1। ऐसे ही लेजर के अंदर भी हम देखेंगे यहाँ पर कि ये कौन से पेज नंबर पर है, जो कैपिटल अकाउंट है ये हमारा फर्स्ट पेज पर है तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालेंगे। ऐसे ही फर्नीचर हमारा सेकंड है तो ऐसे हम इनमें सेकंड नंबर डाल देंगे, सबके अंदर नंबर डालते गए हम। परचेज हमारा थर्ड है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, सेल हमारा 4 था, 4 लिखा हमने, परचेज रिटर्न हमारा 5 नंबर है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5, ठीक है। ऐसे ही मोहन गारमेंट्स में 6 नंबर हमारा, विशाल ट्रेडिंग 7 नंबर है, तो ड्रॉइंग हमारा कौन सा हो गया, 8 नंबर। ऐसे सभी आपके रजिस्टर के ऊपर नंबर डले हुए हैं इसलिए आपको ये नंबर डालने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर नंबर नहीं थे तभी मैंने आपको नंबर डालने बताए हैं, यहाँ पर नंबर कैसे डलते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर डाल दिए, तो हमने जो जो एंट्री कर ली तो हम उनके आगे नंबर चढ़ाना सिखाऊंगी आज आपको। तो आप देखोगे कि हमने जो एंट्री की थी फर्स्ट एंट्री, ये दोनों एंट्री जर्नल का फर्स्ट पेज थी, तो जर्नल के फर्स्ट पेज के लिए हम लिखते हैं J1, एक फर्स्ट पेज की है और ये भी जर्नल का फर्स्ट पेज की है, तो मैंने यहाँ पे भी जर्नल का फर्स्ट पेज डाल दिया, ठीक है। और परचेज कौन से नंबर पे है, यहाँ पर थर्ड पेज पे, तो वहां पे क्या डलेगा, परचेज के सामने थर्ड पेज नंबर, देखो ऐसे डालते हैं हम यहाँ पर, तो परचेज के सामने क्या डल दिया, 3, ठीक है। इधर कुछ क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपने देखा होगा कि लेजर एक ही बुक है, क्योंकि लेजर के अंदर जो एंट्री होगी वो दो बुकों से होगी, इसलिए मैंने जर्नल लिखा, तो
मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया। विशाल ट्रेडिंग देखते हैं कौन से पेज पे है, तो हमने विशाल ट्रेडिंग भी देखा, विशाल ट्रेडिंग है 5 नंबर पर, नहीं मोहन गार्मेंट 6 पे, विशाल ट्रेडिंग है 7 पेज नंबर पे, तो हमने यहाँ पे 7 डाल दिया और मोहन गार्मेंट था 6 नंबर पे, ठीक है। तो विशाल ट्रेडिंग सेम रहेगा, एक ही लेजर है, तो 7 नंबर यहाँ पे डाल दिया। और परचेज रिटर्न देखते हैं कौन से पे है, तो हमने यहाँ पे परचेज रिटर्न का लेजर देखा कहाँ पे है, 5th नंबर पे, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 5th नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक हमने जो एंट्रीज की सब सारे जर्नल के फर्स्ट पेज की है, तो हमने जर्नल का फर्स्ट नंबर डाल दिया, तो हमने इधर क्या डाल दिया, जर्नल का फर्स्ट नंबर। देखो सबके अंदर यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जर्नल का फर्स्ट नंबर, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पेज की ही एंट्री करनी स्टार्ट की थी। यहाँ पे भी हम जर्नल का फर्स्ट पेज नंबर डालेंगे। देखो अब ये डल चुकी है हमारी, तो अब तक हमने कोई कितनी एंट्री की थी ये देखते हैं हम। यहाँ पे आए हमने, यहाँ पे हीरो लिमिटेड में एंट्री कर रहे थे, तो हम देखते हैं हीरो लिमिटेड में हमने एंट्री कर ली या नहीं। तो हम हीरो लिमिटेड के अंदर गए, कर ली हमने 27,000 से, जर्नल का फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे जर्नल का फर्स्ट पेज। तो हीरो लिमिटेड कौन से पेज पे है, 9 पे, तो वहां पे हमने क्या लिख दिया, 9, ठीक है। और सेल की भी कर ली, देखते हैं सेल के अंदर काम किया, कर लिया 27,000 से, सेल कौन से पेज पे है, 4 पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4, क्या लिख दिया, 4 पेज नंबर लिख लिया। तो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं अब हम, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी, मोहन गार्मेंट्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, तो पहले मोहन गार्मेंट्स में जाएंगे 21 तारीख को 200 रुपए से, तो मोहन गार्मेंट्स में आए हम, तो मोहन गार्मेंट्स के अंदर क्या करना है, टू डिस्काउंट रिसीव, 21 तारीख को एंट्री करेंगे हम, टू इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे डालेंगे 21 तारीख, क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव, कितने से, 200 रुपए से, ठीक है। अब ये देखेंगे कौन से पेज पे है, ये जर्नल के सेकंड पेज पे एंट्री स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, J2, ठीक है। और मोहन गार्मेंट्स कौन से पेज नंबर पे है, ये देखो 6 पेज नंबर पर, तो मोहन गार्मेंट्स के सामने क्या आ गया, 6, हमने यहाँ पे 6 डाल दिया, तो हमने यहाँ पे क्या डाला, 6 पेज नंबर, तो 6 पेज नंबर आ गया। अब जाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर, तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर देखा कहाँ पे है हमारा, ये अलाउड का था, आई थिंक डिस्काउंट रिसीव्ड का नहीं है, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट डिस्काउंट अलाउड हीरो लिमिटेड, ये रहा डिस्काउंट रिसीव, देखते हैं कौन से पेज पे है, 10वें पेज नंबर पे, 10वें पे अलाउड है, तो ये कौन से पे होगी, 11 पे हो गया, तो हमने यहाँ पे पेज नंबर 11 डाला। तो अब डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर एंट्री क्या थी वो देखेंगे, बाय मोहन गार्मेंट्स, तो हमने यहाँ पे 21 तारीख डाली, बाय मोहन गार्मेंट्स, कितने से, 200 रुपए से, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, जर्नल का सेकंड पेज नंबर है, तो जर्नल का सेकंड पेज नंबर डाल दिया। और डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से पे है, 11 नंबर पे, डिस्काउंट रिसीव के सामने क्या डाल दिया, 11 पेज नंबर। तो देखो हमारी ये एंट्रीज हो चुकी हैं, जर्नल बुक की कंप्लीट,
1 मिनट ऊपर की एंट्रीज रह गई हमारी, तो एक एंट्री ड्रॉइंग्स की, बाकी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, तो हम ड्रॉइंग की एंट्री भी करेंगे 20 तारीख की। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मिस हो गई थी वो ऊपर की एंट्री, तो हम ड्रॉइंग के अंदर गए, क्या लिखेंगे, टू परचेज, कितने से, 4000 रुपए से। तो हमने ड्रॉइंग का लेजर देखा कहाँ पर है, ये रहा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो कहाँ पे लिखेंगे, टू परचेज यहाँ पे आ जाएगा, 20 तारीख की एंट्री है, यहाँ पे आ गया टू परचेज, कितने से, 4000 रुपए से। कौन से पेज पे थी, फर्स्ट पेज की एंट्री रह गई थी, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज नंबर डाल दिया। और अब क्या करेंगे हम, वहां पे भी पेज नंबर, ड्राइंग का 8 पेज नंबर है, तो ड्राइंग के सामने क्या डालेंगे, 8 नंबर डाल दिया। अब जाएंगे परचेज के अंदर, परचेज के लेजर के अंदर गए हम, परचेज में परचेज नहीं लिख सकते, तो बचा क्या, बाय ड्राइंग्स, 20 तारीख डाली, बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितने से, 4000 रुपए से। कौन से पेज नंबर पे है, जर्नल के फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे क्या डाल दिया, J1। और परचेज कौन से पे है, 3 पेज नंबर पर, तो यहाँ पे क्या डाल दिया, 3। देखो हमारा जर्नल का रजिस्टर कंप्लीट हो गया, तो हमारी जर्नल की एंट्रीज खत्म हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, ये एंट्रीज खत्म होने के बाद हमारी कैश बुक की जो एंट्री की पोस्टिंग है वो करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे कैश बुक ओपन की, कौन सी बुक ओपन की, कैश बुक, तो हम कैश बुक को ओपन करते हैं। तो हम सीखेंगे, तो हमारे पास, हमने सबसे पहले रिसिप्ट साइड की एंट्री ली, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैपिटल, तो हमने वहाँ पे एंट्री करके भी देखी थी, तो आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने एंट्री करके देखी थी सारी एंट्रीज। तो हमने यहाँ पे देखो करके देखी थी, फर्स्ट एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम ये सपोज करेंगे कि हमने कैश का अकाउंट बना रखा है, तो मतलब कि कैश के अंदर हमारा काम हुआ पड़ा है, तो वहां पे क्या आ रहा है, टू कैपिटल, कैश के अंदर हम काम कर चुके हैं टू कैपिटल के नाम से। अब क्या करेंगे हम, कैपिटल के अंदर काम करेंगे कैश के नाम से। देखो कैश का लेजर हमारे बुक बनी हुई है, तो हम उसमें टू कैपिटल लिख चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, कैपिटल का लेजर बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, बाय कैश। तो हमने यहाँ पे कैपिटल का लेजर बनाया सबसे पहले, तो हम कैपिटल के लेजर में आए, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे 1/4 की, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय कैश, कितने से, 2 लाख रुपए से। ठीक है, नरेशन नहीं लिखनी है इसलिए छोड़ दिया, कैश बुक के फर्स्ट पेज पर है, तो सिर्फ कैश बुक की जब एंट्री करेंगे तो 1 लिखेंगे। कैपिटल की एंट्री कौन से पेज नंबर पर है, तो वो एंट्री लिखेंगे हम यहाँ पर 1। ठीक है, ये एंट्री होगी हमारी। उसके बाद 1 तारीख के बाद एंट्री हमारी 3 तारीख की, तो हम 3 तारीख पे गए, तो यहाँ पे एंट्री है पेमेंट साइड में फर्नीचर अकाउंट, मतलब कि कैश के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, तो अब हम फर्नीचर की एंट्री करनी है, तो फर्नीचर डेबिट है, फर्नीचर के लेजर में काम करेंगे, तो फर्नीचर लिख नहीं सकते, तो कौन सी बुक से लेके जा रहे हैं, कैश। तो एंट्री क्या बनी थी हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो हमारी जो एंट्री बनी थी, ये देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने कैश के अंदर काम किया था बाय फर्नीचर के नाम से, अब फर्नीचर के अंदर करेंगे टू कैश के नाम से। तो हमने 3 तारीख की एंट्री की यहाँ पर फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर के अंदर काम करेंगे हम यहाँ पे 3 तारीख की एंट्री डाल के टू कैश। सब में कैश आ रहा है क्योंकि कैश बुक का काम हो रहा है 20000 रुपए से। कौन से पेज पे है, 1 पेज नंबर पे, तो फर्नीचर कौन से पेज पे है, 2 पर, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, 2, फर्नीचर के आगे क्या आ जाएगा, 2।
बाद यहाँ पे सिम साइड में देखा 15 तारीख की एंट्री है, तो उससे पहले हम 5 तारीख की एंट्री कर लेंगे। 5 तारीख को क्या कह रहा है, परचेज की है, मतलब एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखना चाहो तो देख सकते हो क्या एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने कैश में कर ली बाय परचेज। अब क्या करेंगे, परचेज के अंदर टू कैश 5 तारीख की 50,000 से, तो हमने यहाँ पे परचेज के लेजर के अंदर काम किया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कौन सी तारीख को, 5 तारीख को। यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट कितने से, 50,000 रुपए से। कौन से पेज से आ रही है, फर्स्ट पेज से आ रही है। परचेज कौन से पेज पे है, 3 पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, परचेज के सामने 3 पेज। नेक्स्ट है हमारे पास 14 तारीख की एंट्री, उसके बाद 14 की एंट्री करेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय विशाल ट्रेडिंग आ रहा है। क्या आ रहा है, बाय विशाल ट्रेडिंग, मतलब कि विशाल ट्रेडिंग के अंदर काम करेंगे हम, क्योंकि हम कैश बुक से एंट्री ले रहे हैं टू कैश के नाम से, कितने से, 19,000 रुपए से। तो हम बाय विशाल ट्रेडिंग के अंदर गए, विशाल ट्रेडिंग कहाँ पर है, विशाल ट्रेडिंग में गए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21 तारीख को पेमेंट करी उसको, तो हमने यहाँ पे पेमेंट की है 21 तारीख की किस नाम से, टू कैश। इसके अंदर डिस्काउंट की एंट्री भी आनी चाहिए थी, एक बार देखते हैं हम कितने से है विशाल की एंट्री। ये 19,000 रुपए से, एक बार हम वहां पे भी कंफर्म कर लेते हैं कितने से है विशाल की एंट्री, 19,000 रुपए से। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 19,000 रुपए से, कौन से पेज से है, कैश बुक के फर्स्ट पेज से, ठीक है। और क्या करेंगे, ये कौन से पेज नंबर पे है, 7 पे, तो हम यहाँ पे क्या पेज नंबर डालेंगे, 7। एक बार एंट्री देखते हैं, शायद से वो एंट्री नहीं हुई हुई हमारी, इसके अंदर 21 तारीख की एंट्री, मोहन गारमेंट्स टू डिस्काउंट रिसीव 200 रुपए से। तो एक बार में देखेंगे, एक बार आगे गए हम, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने एंट्री करी, नेक्स्ट स्टार्ट एंट्री है हमारी, उसके बाद यहाँ पे हमारी ये 14 तारीख की एंट्री होगी, उसके बाद हम करेंगे 15 तारीख की एंट्री टू सेल। एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो अब सेल के अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे, सेल का लेजर ओपन किया, बाय कैश। तो अब हम कहाँ पे गए, सेल के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेल अकाउंट क्या था यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना, ये एंट्री थी ना, सेल के अंदर गए अब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 तारीख को, 22 तारीख की है, 15 तारीख की, तो हमने ये 15 तारीख डाली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट कितने से, 40,000 रुपए से। कौन से पेज पे है, कैश के फर्स्ट पेज पे। सेल कौन से पे बनाई हमने, 4th पेज नंबर पे, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 4th पेज नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आते हैं हम सेकंड पेज पर। तो सेकंड पेज की फर्स्ट एंट्री है हमारी 20 तारीख की, तो
तो हमने यहाँ पे 20 तारीख से एंट्री स्टार्ट की। एंट्री बनती है हमारी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम ड्रॉइंग्स के लेजर में जाएंगे सबसे पहले। तो हमने ड्रॉइंग्स का लेजर देखा कहाँ पर है, तो ड्रॉइंग्स में काम करेंगे टू कैश। कौन सी तारीख की है, 20 तारीख की है। हमने यहाँ पे 20 तारीख की एंट्री डाली, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी टू कैश। कितने से, 40,000 के से। एक मिनट, देखते हैं कितने से थी ड्रॉइंग्स की एंट्री, 10,000 रुपए से। हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 10,000। कौन से पेज की है, सेकंड पेज की, तो सेकंड डाल दिया। ड्रॉइंग कौन से पेज का है, 8 पेज नंबर। डाला 20 तारीख के बाद। देखते हैं कौन सी डेट की है, 20 के बाद 21 तारीख की एंट्री है हमारी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मोहन का लेजर बनाएंगे, तो मोहन के लेजर में काम करेंगे 7800 से 21 तारीख को। तो हम मोहन के लेजर में गए, कहाँ है मोहन का लेजर, मोहन में। मोहन क्या था, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने यहाँ पे डेट डाली 22 तारीख को, यहाँ पे क्या आएगा टू कैश। कितने से था, 7800 से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7800 रुपए। कौन से पेज पे है, जर्नल कैश बुक के सेकंड पेज पे। मोहन गार्मेंट्स कौन से पे है, 6 पेज पे, ठीक है। 21 तारीख के बाद एंट्री आती है 22 तारीख की। 22 तारीख की एंट्री करेंगे हम, एंट्री क्या बन रही थी, कैश अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड। तो अब हीरो लिमिटेड में करेंगे बाय कैश। तो हम हीरो लिमिटेड के अंदर गए, अब हीरो लिमिटेड में क्या एंट्री करेंगे हम, बाय कैश। तो 22 तारीख की एंट्री है, यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश। कितने से, 8,850 रुपए। कौन से पेज की एंट्री है, सेकंड पेज की। हीरो लिमिटेड 9 पेज पे है, तो हीरो लिमिटेड के सामने 9 लिख दिया। तो हीरो लिमिटेड के सामने क्या लिख दिया, 9। उसके बाद आती है हमारे पास 25 तारीख की एंट्री। क्या कह रहा है, टू सेल, मतलब एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अब क्या एंट्री करेंगे हम, यहाँ पर टू सेल है, तो सेल का लेजर बनाएंगे और उसमें करेंगे बाय कैश। 12,000 रुपए से 25 तारीख की एंट्री। तो हमने सेल के लेजर में गए हम, एक लेजर एक ही बार बनाते हैं, बार बार नहीं बनाते। टू सेल था मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट टू कितने से है, 12,000 रुपए से। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 25 तारीख की, हमने यहाँ पे 25 तारीख की एंट्री करी बाय कैश। कौन से पेज पे है, 12,000 रुपए से, सेकंड पेज से है, तो सेकंड पेज पहले वाली फर्स्ट पेज से थी। सेल कौन से नंबर पे है, 4 पेज पे। नेक्स्ट आती है 30 तारीख की एंट्री, बाय रेंट और बाय सैलरी। मतलब की एंट्री क्या बनी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले हम रेंट की कर रहे हैं, तो हम रेंट के अकाउंट में जाते हैं। तो हम रेंट के अकाउंट के अंदर गए, देखते हैं बने हुए या नहीं, आई थिंक नहीं बने हुए, तो हमें बनाना पड़ेगा। सेल का है, परचेज रिटर्न मोहन, ड्रॉइंग हीरो लिमिटेड, डिस्काउंट अलाउड, कॉमन ब्रदर, नहीं बना हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे हम, तो
हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया किस चीज का, रेंट का, कौन से नंबर पे है ये देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड 11 नंबर पे था तो कॉमन ब्रदर 12 पे हो गया और रेंट कितने पे हो गया, 13 पे हो गया। तो नेक्स्ट रेंट सैलरी का बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सैलरी कौन से नंबर पे हो गया, 14 नंबर पे, ठीक है। अब रेंट के अंदर क्या एंट्री थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30 तारीख को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट कितने से था, 2000 रुपए से, 2000 रुपए से कौन से पेज पे थी, सेकंड पेज पे। रेंट कौन से पे है, 13 पे, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 13 नंबर। अब हम ऐसे ही सैलरी की एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने यहाँ पे एंट्री डाली कब की, 30 तारीख की, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट कितने से, 4000 रुपए से, कौन से पेज पे है, वन पेज पे है तो वन की एंट्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सैलरी में, 14 पेज पर। देखो सारी एंट्रीज हो चुकी हैं यहाँ की, तो एक बार जर्नल बुक की भी चेक कर लेते हैं, कोई एंट्री रह तो नहीं गई थी बीच में से, तो हम यहाँ पे एंट्री चेक करते हैं। पवन ब्रदर की एंट्री शायद नीचे एंट्रीज हमारी रह गई है यहाँ से, तो हम कंप्लीट करेंगे। देखो हमारी एंट्रीज यहीं तक थी, उस टाइम शो नहीं हो रही थी, तो अब हम नीचे की एंट्रीज कंप्लीट करेंगे जनरल बुक की भी। तो जब जनरल बुक की एंट्रीज भी पूरी कर रहे हैं हम जो रह गई थी, तो 22 तारीख की एंट्री रह रही है, 28 तारीख की और 14 तारीख की। तो हमने यहाँ पे एंट्री स्टार्ट की, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड, अगर ये इसलिए छोड़ी थी, अगर आपकी कोई एंट्री रह जाए तो हम बाद में भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम डिस्काउंट अलाउड की डेबिट टू हीरो लिमिटेड, तो हम सबसे पहले कहाँ पे गए, इसके अंदर गए, डिस्काउंट अलाउड में गए, एंट्री क्या थी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड। डिस्काउंट अलाउड के अंदर डिस्काउंट अलाउड नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, टू हीरो लिमिटेड। तो हमने यहाँ पे लिखा जो भी डेट थी 22 तारीख, यहाँ पे लिख देंगे टू हीरो लिमिटेड कितने से, यहाँ पे 150 से, जो भी पेज नंबर होगा जर्नल फोलियो का, सेकंड पेज नंबर है तो J2 डाल दिया हमने। डिस्काउंट अलाउड कौन से पेज से है, 10 पेज नंबर से। अब हीरो लिमिटेड में जाएंगे, हीरो लिमिटेड के अंदर गए, ये रहा, यहाँ पे भी तारीख डालेंगे हम, 22 तारीख की है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड से 150 से, कौन से पेज से आई हैं, जर्नल के सेकंड पेज से आई हैं तो J2 लिख दिया। हीरो लिमिटेड कितने पे है, 9 पे, तो वहां पे क्या लिख दिया, 9। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम, परचेज डेबिट टू पवन ब्रदर, तो हम परचेज के अंदर गए सबसे पहले, परचेज डेबिट है, परचेज में परचेज नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेट डालेंगे कौन सी है, 28 तारीख की, हमने यहाँ पे डेट डाली है 28 तारीख की। टू पवन ब्रदर कितने से थी एंट्री, वो देखते हैं, 12000 रुपए से, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 12000 रुपए। जर्नल के सेकंड पेज से है तो J2 लिखा, परचेज कौन से पे है, 3 पे, थ्री पेज नंबर, पवन ब्रदर में करेंगे एंट्री, पवन ब्रदर के अंदर क्या एंट्री करेंगे, यहां पर 22 तारीख की एंट्री थी,
बाय परचेज, अमाउंट 12,000 रुपए से। तो कितने से अमाउंट आए, कौन से पेज की है, जर्नल के सेकंड पेज की, ये कौन से पेज की है, 12 पेज नंबर की, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 12। फिर आते हैं विशाल ट्रेडिंग की लास्ट एंट्री है जर्नल बुक की, विशाल ट्रेडिंग डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। तो हम सबसे पहले विशाल ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं, विशाल ट्रेडिंग के अंदर क्या कह रहा है, 14 तारीख की एंट्री में टू डिस्काउंट रिसीव, कितने से, जर्नल का सेकंड पेज 1,000 रुपए से, और अब कहाँ जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर ये कौन से पे है, 7 पे, तो इधर क्या डाल देंगे, 7 पेज नंबर। अब डिस्काउंट रिसीव्ड पे गए, डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर उसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बाय विशाल ट्रेडिंग, बाय विशाल ट्रेडिंग 14 तारीख की एंट्री है, बाय विशाल ट्रेडिंग, कितने से, 1,000 रुपए से, कौन से पेज नंबर पे है, जर्नल के सेकंड पेज पे, और डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से पे है, 11 पेज नंबर पे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था कैश बुक और जर्नल बुक की पोस्टिंग का, तो हमने आज को कंप्लीट कर लिया। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ पोस्टिंग तक का था, तो हमने ये कंप्लीट हो गया आज का जो हमारा टॉपिक था। आज की क्लास बस यहीं तक थी।